हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशा अग्रवाल। मैं आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। आज मैं आपको शेफ तुई कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ एंड कलर करना बताऊंगी और इसको मेरे साथ आप एंजॉय करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं शेफ तुई। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ओवल बना लूंगी, जैसे एग होता है उस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा पतला और नीचे से मोटा, ठीक है। और इसको हम ऊपर से फेस का शेप देंगे। अब हमें इसकी बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के लिए शोल्डर, क्योंकि ये कार्टून है तो कार्टून जैसी ही लगेगी। इसको मैं एक स्क्वायर शेप दूंगी, ये देखिए, इसको मैंने एक स्क्वायर शेप दे दी। स्क्वायर शेप देने के बाद अब हम इसको शेप दे, इधर से हैंड की शेप दे। जो ये वाला हाथ था इसको इधर से हम घुमा देंगे, ऐसे लगेगा जैसे शेप तुई हाथ बांधकर खड़ी है। ये बाकी जो जितने भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम साथ के साथ इस तरीके से रब करते जाएंगे। और इसकी डमी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट रहा। थोड़ा सा इसके हैंड्स को बाहर की तरफ कर देंगे। ये देखो, अब इसके हेयर्स बनाते हैं। हेयर्स कैसे बनाने हैं हमें? हेयर्स हमें सी की शेप में बनाने हैं, जैसे हम ट्री बनाते हैं ना उसी तरीके से। सबसे पहले हम यहीं से चलते हैं ऊपर से और सी अंदर की तरफ, सी सी करके इसको हेयर्स बना। ये देखिए ऊपर का पार्ट शेफ तुई का रेडी हो गया। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं, लेग्स। लेग्स कैसे बनाने हैं इसके हमें? सबसे पहले तो हमें इसकी ड्रेस बनानी है। ड्रेस के लिए हमें यहाँ लीव्स लगा देते हैं। लीव्स के लिए हमें बड़ी बड़ी बिग लीव्स बनानी है। इस तरीके से सी, फिर सी, 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 सी,
में से सी एक एक लीफ तोड़ लेंगे, सी सी एंड सी। ये देखिए ये इनकी के कपड़े हो गए। अब इसके लेग्स बना रहे हैं, लेग्स इसके इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर वाले कपड़े तैयार। या पहले आइज बना लें। आइज बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीच में दो इस तरीके से सिंपल इलेवन बनाना है, छोटा छोटा, और एस की शेप में इसकी आईब्रोज। उसी तरीके से यहाँ पर एस की शेप में इसकी आईब्रोज को डबल कर दें। ये देखिए, एस की शेप में इसकी आईब्रोज बनाने के बाद इसको डबल कर दें और टू सर्किल्स अब हमें इसकी नोज बनानी है। यू स्मॉल यू एंड टू यू, ये इसकी नोज होगी छोटी सी, और स्माइल शेफ्ट की स्माइल, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। ओके, अब शेफ्ट की गले में क्या पहनते हैं ये लोग, बहुत बड़ी बड़ी बिग माला है ना, तो इसको बनाना है हमें। कैसे बनाना है, सिंपल लीव्स की तरह बनाना है और सर्किल, फिर एक और लीव, फिर सर्किल, फिर एक और लीव, सर्किल, फिर एक और लीव, सर्किल, वस्त्र डिजाइन करने। सिंपल सी सी की शेप में हम इसको डिजाइन करेंगे।
हर लाइन डबल कर लेंगे। इसी तरीके से इधर यहाँ पर से इसका पूरा डिजाइन देना है। जी चेक बॉडी का पार्ट इधर नीचे थोड़ी सी लीव्स से कर देते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ी सी और मुझे लग रही है। शेफ तो ये हमारी तैयार हो गई बनके। अब इसको हमें कलर करना है।
हमारी ये पिक्चर बनकर तैयार हो गई शेफ तुई। अगर हमें इसे 3D लुक देना हो तो वो हम कैसे देंगे, आज मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लैंडस्केप जो हमने पहले बना रखा है या कोई भी सीन जो हमने पहले से बना रखा है या किसी मैगजीन से हम ले सकते हैं, कोई भी बहुत अच्छा सा सीन, उसके ऊपर इसे हम डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर देंगे कट करके। वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको शेफ तुई को कट कर लेंगे, थोड़ा सा साइड से इस तरह से पेंसिल से बार बार निशान लगा लेंगे ताकि कटिंग करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना। इस तरीके से देख रहे हो ना, इस तरीके से पेंसिल से मैंने निशान लगा दिया है। और अब हम इसको कट कर लेंगे सीजर्स। मैं आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, माय चैनल नेम इज हैप्पी हैप्पी घर। प्लीज चेक ब्लू यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। दीज आर द ड्राइंग्स मेड बाय योर दिशा मैम। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर नेक्स्ट ड्राइंग के साथ मिलते हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी हैप्पी घर पर आपकी दिशा मैम के साथ। ओके बाय।